नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदलेगा। सितंबर की शुरुआत के साथ बरसात की गतिविधियां जारी रहने और कई जगहों पर बरसात होने और तेज हवाओं के साथ मौसम में परिवर्तन होगा। तो कैसा रहेगा, जबलपुर, कटनी, भोपाल, सीधी, बड़वानी, ग्वालियर, धार, उज्जैन, हरदा, शिवपुरी, मंदसौर, रायसेन, शाजापुर, विदिशा, श्योपुर, अशोकनगर, सतना, गुना, खंडवा, डिंडोरी, होशंगाबाद समेत किसी भी जिले, गांव, शहर में रहते हैं एमपी के, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप मध्य प्रदेश में कहां पर रहते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में मानसून पर ब्रेक जो है 1-2 सितंबर तक समाप्त हो सकता है और इसके परिणाम स्वरूप जबलपुर, शहडोल संभाग और पूर्वी हिस्से में मध्यम से तेज बरसात हो सकती है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी हिस्सों में जैसे कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में मौसम में बदलाव हो सकता है। हालांकि तेज बरसात की संभावना कम जताई जा रही है। यहां पर बताया जा रहा है कि 25 अगस्त तक मानसून के ब्रेक की घोषणा हो चुकी थी और बताया जा रहा है कि मौसम विभाग के अनुसार पहले यह सीजन में 5 से 6 सितंबर तक चलता था, लेकिन पूर्वी हिस्सों में 1-2 सितंबर से ही मानसून की गतिविधियां फिर से शुरू हो सकती है। वही दोस्तों, किसान भाइयों के हमें काफी कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमारी फसलें खराब हो रही है, कब होगी बरसात, तो कब होगी। तो आप सभी को बता दूं दोस्तों, 1 से 2 सितंबर में यहां पर मौसम बदल सकता है। बरसात की गतिविधियां कितनी तेजी से होगी वो तो आने वाले टाइम में ही देखना पड़ेगा। वही प्रदेश के कई शहरों में तापमान बढ़ने के परिणाम स्वरूप गर्मी महसूस की जा रही है। भोपाल में तेज धूप के चपेटे महसूस किए जा रहे हैं और ग्वालियर में दिन का तापमान 36 तक पहुंच चुका है। सीधी में तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस, टीकमगढ़ में पारा 35 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। भोपाल, बैतूल, धार, गुना, नर्मदापुरम, इंदौर, खंडवा, खरगोन, रायसेन, रतलाम, शिवपुरी, उज्जैन, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, खजुरा और मंडला, नरसिंहपुर, नौगांव, रीवा, सागर, सतना, शिवनी, उमरिया और मल्लाजगंज के तापमान में 30 डिग्री से अधिक था। वहीं भारी बारिश के चलते दोस्तों मौसम विभाग की मान तो कमी जो है देखने को मिलेगा, गर्मी से राहत मिलेगी और आगामी 24 घंटों के दौरान दोस्तों बारिश की संभावना जो है कुछ जगहों पर है तो कुछ इलाकों पर नहीं रहेगी और भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर में आकाशीय बिजली के साथ दोस्तों अधिकांश इलाकों पर तापमान में जो है कई जगहों पर दोस्तों जो है गर्मी के तीखे तेवर के साथ हल्की बूंदाबूंदी हो सकती है और मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश मौसम विभाग की माने तो यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं विभिन्न इलाकों पर बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में हलचल होने और उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार भी जताए जा रहे और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो कुछ इलाकों पर अच्छी खासी बरसात की गतिविधियों के साथ अलर्ट है। आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर, यहां पर बादल छाए रहने के साथ कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो कि बताया जा रहा है दोस्तों शिवनी और बालाघाट इन जगहों पर ऑरेंज अलर्ट है। यहां पर बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम बदल सकता है, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वही दोस्तों येलो अलर्ट वाले जिलों की बात करें तो बैतूल, छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी इन सभी जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बरसात की गतिविधियों के साथ येलो अलर्ट जारी रहेगा, मौसम ठंडा सोना रहेगा। साथ में यहाँ पर सर्वाधिक बरसात और बिजली चमकने वाले जिलों की बात की जाए तो अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, शिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल इन सभी जगहों पर सर्वाधिक बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहने के साथ मौसम में ठंडक जरूर रहेगा और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और बादलों की वजह के साथ मौसम में बदलाव होने और उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार जताए जा रहे हैं। साथ में यहां पर बादल छाए रहने वाले जिलों की बात की जाए तो दोस्तों मुरैना, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, राजगढ़, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद, भोपाल, रायसेन, नरसिंहपुर, सागर, विदिशा, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और साथ में दोस्तों निवाड़ी समेत विभिन्न इलाकों पर बादलों की वजह के साथ मौसम में बदलाव होने और मध्य प्रदेश के मौसम में हलचल होने और उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग की माने तो कल रात तक कई जगहों पर मौसम में बदलाव देखने को मिला था और कुछ इलाकों पर दोस्तों अच्छी बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी है। और यहां पर बताया जा रहा है कि मंदसौर, अशोकनगर, सतना में कई जगहों पर फसलें सूखने लग गई क्योंकि दोस्तों बरसात की गतिविधियों कमी आने की वजह से किसान भाई काफी प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर दोस्तों जो है यहां पर पेड़ पौधे सूख रहे हैं तो कुछ इलाकों पर बरसात के लिए बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। यहां पर दोस्तों ज्यादातर इलाकों पर धार, गुना, बैतूल, भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, खंडवा, खरगोन, रायसेन, रतलाम, शिवपुरी, उज्जैन, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, खजुरा, मंडला, नरसिंहपुर, नौगांव, रीवा, सागर, सतना, शिवनी, उमरिया, मल्लाजगंज में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक बना हुआ नजर आ रहा है। साथ में बादलों की वजह भी जारी रहने और मौसम में ठंडक होने के आसार है। कुछ इलाकों पर मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तो कुछ इलाकों पर उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ जबलपुर में रात के समय 26-27, तो दिन के समय दोस्तों यहां पर मौसम बदलेगा, बादल छाए रहेंगे, दिन के समय 33-34 डिग्री तापमान रहेगा और यहां पर मंगलवार से अच्छी बरसात की गतिविधियों के साथ बिजली चमक सकती है और बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। यहां पर बताया जा रहा है कि कटनी में 26-27-28 रात के समय, दिन में 34-35 बादल छाए रहेंगे और रविवार सोमवार से हल्की बूंदाबूंदी और बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की माने तो यहां पर पूरे भोपाल में 24-25-26 रात के समय, तो दिन के समय 30-31 डिग्री तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी
भारी तेज हवाओं के साथ मौसम में बदलाव के साथ बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सीधी में 26, 27, 28 रात के समय तो दिन के समय मौसम बदलेगा, बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी रहेगा 33-34 के साथ। यहाँ पर रविवार सोमवार से हल्की बूंदाबूंदी और बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। मौसम विभाग की मानते यहाँ पर बड़वानी में 24, 25, 26, 27 रात के समय दिन में 34-35 बादल छाएंगे, मौसम ठंडा सोना और उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। साथ में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्वालियर में बादलों की वजह के साथ मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ मौसम में बदलाव होगा और उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। धार में 22, 23, 24 रात के समय दिन में 30-31 डिग्री तापमान रहेगा, बादल छाएंगे, मौसम ठंडा सोना और उतार चढ़ाव जारी रहेगा। उज्जैन में 23-24 रात के समय दिन में 30-31 बादल छाएंगे, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ बादलों की वजह के साथ मौसम बदल सकता है और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ परिवर्तन होगा। यहाँ पर हरदा में 204 दिन बादल, मंगलवार बुधवार से हल्की बूंदाबूंदी और बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। यहाँ पर शिवपुरी में 4 दिन मौसम साफ, उसके बाद बादल छाएंगे, छिटपुट बरसात और बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम बदलेगा। साथ में यहाँ पर मंदसौर में 224-225 रात के समय दिन में 30-31 बादल छाएंगे, मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यहाँ पर मौसम विभाग की मान तो पूरे रायसेन का मौसम बदल सकता है बादलों की वजह, और मंगलवार बुधवार से अच्छी बरसात और बिजली चमकने के साथ बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर पूरे के पूरे साजापुर में 7 दिन बादल छाएंगे, मौसम ठंडा सोना और बादलों की वजह के साथ मौसम में परिवर्तन होगा। इसके साथ ही दोस्तों विदिशा में 4 से 5 दिन बादल, मंगलवार बुधवार से हल्की बूंदाबूंदी होगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्योपुर में पूरे 7 दिन गर्मी का प्रकोप रहेगा, हल्की बूंदाबूंदी और मौसम बदल सकता है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की मान तो अशोकनगर में 24, 25, 26 रात के समय तो दिन के समय 30-31 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाएंगे, मौसम में परिवर्तन होगा। यहाँ पर सतना में 27-28 रात के समय दिन में 33-34 बादल छाएंगे, मौसम में परिवर्तन होगा। यहाँ पर गुना में 24-25 रात के समय दिन में 30-31 बादल छाएंगे, मौसम में परिवर्तन होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि खंडवा में 24-25 रात के समय दिन में 33-34 बादल छाएंगे, मौसम में परिवर्तन होने के आसार है। डिंडोरी में 23-24 रात के समय दिन में 30-31 बादल छाएंगे, हल्की बूंदाबूंदी और बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। यहाँ पर होशंगाबाद में 25-26 रात के समय दिन में 32-33 मंगलवार बुधवार से हल्की बूंदाबूंदी और बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम बदल सकता है और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होगा। वही दोस्तों मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर विभिन्न इलाकों पर दोस्तों जो है सिंगरौली का मौसम बदलेगा, बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और बादलों की वजह के साथ मौसम ठंडा सोना रहेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे उमरिया का मौसम बदल सकता है, बादलों की वजह के साथ मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और मंगलवार बुधवार से हल्की बूंदाबूंदी और बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। साथ में यहाँ पर बताया जा रहा है कि रतलाम में 23-24 रात के समय तो दिन के समय दोस्तों 30-31 डिग्री तापमान रहेगा, मौसम साफ सोना और बादलों की वजह जारी रहेगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजगढ़ में 24-25 रात के समय तो दिन के समय 32-33 डिग्री तापमान रहेगा, बादल छाएंगे, मौसम ठंडा सोना रहने के आसार है। साथ में यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे दोस्तों देवास का मौसम बदलेगा, 23-24 रात के समय दिन में 30-31 बादल छाएंगे, मौसम ठंडा सोना रहेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे छतरपुर का मौसम बदल सकता है, 26-27 रात के समय दिन में 34-35 बादल छाएंगे, मौसम ठंडा सोना रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर अलीराजपुर में 23-24 रात के समय दिन में 32-33 बादल छाएंगे, मौसम ठंडा सोना, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यहाँ पर बुरहानपुर में 24-25-26 रात के समय दिन में 34-35 बादल छाएंगे, मौसम ठंडा सोना और उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। यहाँ पर भिंड में 27-28 रात के समय तो दिन के समय 33-34 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाएंगे, मौसम ठंडा सोना रहने के आसार है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सागर में 24-25 रात के समय तो दिन के समय 32-33 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाएंगे, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। वही मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर पूरे निम्स का मौसम बदल रहा है, बादलों की वजह के साथ मौसम में हलचल, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यहाँ पर दतिया में दोस्तों बादलों की वजह के साथ मौसम बदल सकता है, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। साथ में यहाँ पर पन्ना में दोस्तों बादल छाएंगे, मंगलवार बुधवार से हल्की बूंदाबूंदी होगी। साथ में सीहोर में 23-24 रात के समय दिन में 30-31 बादल छाएंगे, मौसम विभाग की माने तो रीवा में बादलों की वजह के साथ मौसम बदल सकता है। साथ में यहाँ पर शिवनी में 24-25 रात के समय तो दिन के समय 32-33 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाएंगे, मौसम में ठंडक रहेगा। शहडोल में बादलों की वजह के साथ मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी है। दमोह में 25-26 रात के समय तो दिन के समय दोस्तों 33-34 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाएंगे, मौसम ठंडा सोना रहने के आसार है। साथ में यहाँ पर दोस्तों टीकमगढ़ का मौसम बदलेगा, बादलों की वजह के साथ मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे दोस्तों झाबुआ का मौसम बदलेगा, बादल छाएंगे, मौसम में परिवर्तन होगा। इंदौर में 23-24 रात के समय तो दिन के समय 31-32 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाएंगे, मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम में बदलाव होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे दोस्तों मुरैना में बादलों की वजह के साथ 36-37 के करीब तापमान रहेगा, मौसम ठंडा सोना है। नरसिंहपुर में 25-26 रात के समय तो दिन में 33-34 और बादलों की वजह के साथ मौसम में बदलाव होगा। साथ में मंडला का मौसम बदल सकता है, छिंदवाड़ा, बैतूल, अनूपपुर, आगर में भी दोस्तों जो है यहाँ पर छिटपुट बरसात और बादलों की वजह के साथ मौसम में परिवर्तन होगा। साथ में यहाँ पर निवाड़ी में भी दोस्तों बादलों की वजह के साथ मौसम बदलेगा। तो यह था पूरे के पूरे एमपी मौसम, मध्य प्रदेश का मौसम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आप एमपी के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।